ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बुरहानपुर के बॉडी फिटनेस सेंटर जिम में बॉडी बिल्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। दिल्ली में BHFA के आयोजित इस पत्रकार वार्ता में बुरहानपुर के दो लोगों ने बाजी मारी, जिनमें से उमेर हुसैन बॉडी बिल्डिंग जूनियर कैटेगरी दूसरे स्थान व फिजिक्स जूनियर कैटेगरी में 60 से 65 वेट में तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 0 से 55 वेट कैटेगरी में रविन्द्र भारद्वाज दूसरे स्थान पर रहे। प्रेस वार्ता के दौरान BHFA प्रदेश अध्यक्ष शेख अख्तर ने बताया कि जल्द ही बुरहानपुर में मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कराया जाएगा, जिसमें अन्य राज्यों से भी बॉडी बिल्डर भाग लेंगे। BHFA मीडिया प्रभारी एडवोकेट हमीद खान ने बताया कि पूर्व में गुलजार क्लासिक के नाम से दिल्ली में कॉम्पिटिशन हुआ था, उसी के तर्ज पर बुरहानपुर में भी कॉम्पिटिशन कराया जाएगा। ये BHFA एक संस्था है जो कि हमारे बुरहानपुर में भी उसकी एक प्रदेश लेवल की बॉडी तैयार हुई है। अख्तर भाई उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी गुलजार क्लासिक करके एक कॉम्पिटिशन BHFA ने दिल्ली में कराया था, जिसमें हमारे बुरहानपुर के दो बॉडी बिल्डर एक रवीन और उमेर ने सेकंड पोजीशन ली, रवीन की थर्ड पोजीशन रही। उन्होंने हमारे बुरहानपुर का नाम रोशन किया दिल्ली में। इसी तर्ज पर बुरहानपुर में एक मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, पहली बार हम कराने जा रहे हैं बुरहानपुर में, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से पंजाब से लेकर दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, पूरा महाराष्ट्र, हर जगह से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हमारे यहाँ आने वाले हैं। और मैं मीडिया प्रभारी के नाते आपके द्वारा जितनी भी हमारी संस्था के लोग हैं उनको बधाई देता हूँ, और हमारे दोनों बिल्डर जिन्होंने हमारे बुरहानपुर का नाम रोशन किया उनको भी बधाई देता हूँ। और मैं एक आशा रखता हूँ कि बुरहानपुर में पहली बार मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन होने जा रहा है, जिसमें हमारा पूरा बुरहानपुर सहयोग प्रदान करेगा। जय हिंद।